कोरोना काल की इस महामारी में जहां आज पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, वहीं देश भर में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के करीब 21 लाख से अधिक निवेशकों को विगत ढाई वर्षों से उनकी निवेश राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। देश भर में स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन और केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाए जाने पर भी निवेशकों के हितों की अनदेखी की जा रही है। वहीं सोसाइटी के प्रमोटर मंडल मुकेश मोदी और राहुल मोदी द्वारा भी इन ढाई वर्षों में निवेशकों को उनकी राशि लौटाए जाने के संदर्भ में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। इस अवस्था में निवेशकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर रुख किया है। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट नरेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि केंद्र रजिस्ट्रार द्वारा नियमों से परे जाकर आदर्श सोसाइटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया गया, जिस कारण देश के 21 लाख निवेशकों के जीवन भर की पूंजी उलझ गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली रीट याचिकाओं के अंतर्गत चंपालाल बनाम भारत संघ में 840, ललित कुमार व्यास बनाम भारत संघ में 1573 और लक्ष्मी नारायण पाटीदार बनाम भारत संघ के अंतर्गत 2588 निवेशकों ने मिलकर संयुक्त रूप से 5001 निवेशकों ने रीट याचिकाएं प्रस्तुत करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा केंद्र रजिस्ट्रार भारत सरकार के साथ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कार्यालय, पुलिस अधीक्षक एसओजी एवं एटीएस आदर्श क्रेडिट सोसाइटी प्रबंध निदेशक एवं आदर्श सोसाइटी पर नियुक्त लिक्विडेटर एचएस पटेल को पक्षकार बनाते हुए न्यायालय से राहत मांगी है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए रजिस्ट्रेशन और विभागों द्वारा पदत ए श्रेणी सर्वोत्तम प्रमाण पत्र को देख अपने जीवन की संपूर्ण जमा पूंजी करोड़ों रुपयों का निवेश उक्त सोसाइटी में कर दिया। पीड़ित निवेशकों के पास मात्र यही विकल्प शेष रहा है कि उच्च न्यायालय में रीट याचिका प्रस्तुत कर अपने अधिकारों के संरक्षण का आदेश प्राप्त करते हुए राहत प्राप्त कर सके। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुल 5001 निवेशक, जिसमें कि लक्ष्मी नारायण पाटीदार बनाम भारत संघ के 2588 निवेशक, ललित कुमार व्यास बनाम भारत संघ के अंतर्गत 1573 निवेशक और चंपालाल बनाम भारत संघ के अंतर्गत 840 निवेशक, कुल 5001 निवेशकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ में याचिकाएं प्रस्तुत की है और गुहार लगाई है कि उनको न्याय दिया जाए। चूंकि द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के अंतर्गत कई निवेशक कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पर खुली बात यह कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर किसी भी रूप से कार्रवाई राजस्थान सरकार नहीं कर पा रही है। इस संदर्भ में इसी माह माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत ने भी एक पत्र इस मैटर में केंद्र सरकार को जारी किया है और उनसे ये अधिकार मांगे हैं कि उनको एक वृहद अधिकार प्राप्त प्रदान किया जाए, जिससे कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में राजस्थान सरकार भी कार्रवाई कर पाए। किंतु इन चीजों को लेकर विगत ढाई साल से अधिक का समय हो चुका है, सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है और न ही सोसाइटी के प्रमोटर मंडल कुछ करना चाहते हैं। इसको देखकर अब निवेशकों के सामने केवल और केवल एक विकल्प नजर आ रहा है कि हम हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें। यही कारण है कि अब तक 5001 निवेशकों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर रिट याचिका प्रस्तुत की गई है। अलर्ट राजस्थान न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे बी आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोती चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इकोरूल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी मोतियाबिंद नाखुना